जिलाध्यक्ष महोदय राजा सिंह जी रावत, पूर्व जिला प्रमुख सरिता जी गेना, उप जिला प्रमुख ताराचंद जी रावत, वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलावत खान साहब, पूर्व प्रधान उर्मिला जी कुमावत, पूर्व प्रधान अर्चना जैन, अकेले का काम नहीं है, हम हमारे इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने भी आए। हम लोगों ने ये तय किया है कि सामने कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, अगर जनता सामने है, जनता साथ में है, अगर उनका आशीर्वाद और प्यार है, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम मिलकर कर नहीं सकते। लड़ाई जोरदार है, परंतु जोरदार लड़ाई का मजा है कि जनता साथ में चल रही। और मैं सब लोगों को आज ये कहने आई हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों को काम करना है, जो इतने सालों से पिछड़ा रहा है, उसको अगर आपकी चौमुखी विकास के साथ जोड़ने का सोच है, तो मैं समझती हूँ कि आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ आप सावरलाल जी को जोड़ने का काम करोगे, तो यहाँ एक नई दिशा और नई दशा देखने को आप लोग सबको मिल जाएगा। मैंने सबको ये वादा किया, मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस वाले सब लोगों के बीच में बेशर्मी के साथ जाके, जब किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किस मुंह के साथ में जाती जनता के पास ये कहने को कि भाई हमको आप फिर से एक वोट दे दो। कितने नकटे हैं ये लोग कि बार बार आके ये कह सकते हैं कि आपको वोट दे दो। कैसे वोट दे दे, हमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मिलकर किया और मैंने माताएं बहने उस समय अलग से एक महिलाओं के लिए लाइन निकाली थी घरेलू बिजली की, जो इतिहास में राजस्थान के आज तक नहीं हुआ। और जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली आप लोग सबको देके गई। और मैं अब विश्वास आपको दिला रही हूँ कि सरकार हमारी आएगी तो 18 20 नहीं 24 घंटे बिजली आप लोगों को घर से मिलेगी। 24 घंटे, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये 5 साल क्या कर रहे थे। जब 18 और 20 घंटे हमने ला के दे दिया तो 4 घंटे और ही तो आप लोगों को देने की जरूरत थी, इतना भी नहीं कर सके। आप किसान भाई यहाँ बैठे हुए, किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, कहा था 8 घंटे बिजली हम देंगे, मिली कितनी भाइयों? 2 घंटे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कितनी जोरदार ट्रिपिंग के साथ मिली आप लोगों को। सही, अगर बिजली 3 घंटे भी मिल जाती तो मैं समझती कि बहुत बड़ा काम हो जाता, परंतु बिना ट्रिपिंग के आपको बिजली नहीं मिली है और रात की पारी मिली है तो लोगों को रात को 12 बजे खेत में जाके खड़ा करना पड़ रहा है। कई जगह के ऊपर मैंने देखा है लोग किसान दुखी होके खड़े, ना उनको सही टाइम पे बिजली, ना सही टाइम पे पानी, ना उनको खाद या बीज, और मिलता है तो महंगा खाद और बीज, और अगर ना मिलता है तो उसमें नकली खाद और बीज। ये सब चीजों को सहने का काम बेचारे गरीबों ने। जब आप चाहते हो अपना वोट डालने के लिए समझ के वोट डालना, 53 साल हम लोगों ने इनको दिया और 53 साल ने हमको मार के रख दिया है। हम उनकी ये 1 तारीख को समय जब आएगा तो हम उनको सबको अपनी अपनी औकात लाइन टेस्ट करके जून 2007 में हम लोग चालू की थी। इस पाइपलाइन से अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर सबको पानी मिल रहा है और ये 5 साल का काम है भाइयों। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने 53 साल में क्यों नहीं करके दिया। जगह जगह मैं जाती हूँ पाइपलाइन ऐसे पड़े हुए उखड़े हुए, आपकी टंकियां बनी है तो टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है। जगह जगह पे लोगों को पेंशन का वादा करके पेंशन दे दिया। अभी मैं झालावाड़ से आ रही हूँ, 40 गांव के लोग अलग से खड़े थे। मैं पूछा काहे को अलग से खड़े, बोले कि हमको 4 महीने पहले 1000 रुपए पेंशन, जितना भी 700 रुपए पेंशन मिला था और हम लोगों को 10,000 लोगों को बांटने का काम इन्होंने किया था। इनमें से ही किसी ने गमला किया और अब पुलिस हमारे गांव में घूम रही है और 3,000 रुपए की एक एक व्यक्ति से वसूली करने का काम कर रही है। ऐसा पेंशन देने से क्या मतलब है, क्यों दुखी? कांग्रेस बी गंगानगर से आप जानते हो, कांग्रेस सी सवाबहादुरपुर से उसको अच्छी तरह से जानते हो, कांग्रेस डी वो लोग जिनको खड़ा करने की कोशिश आप लोगों ने की है, उनको पैसा भी दिया है। कोई भी बागी है बैठो मत, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो। अभी एक और जुड़े हैं, आपने अभी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कांग्रेस ई समझो। और एक और है जो हमारे चारों ओर उन्होंने घेरने की कोशिश की है, ये कह के कि तुम लोग इनके ठेके ले लो और ठेके लेके अंदर से अगर तुम लोग हरवा सकते हो तो हरवाने की कोशिश करो। ये सब कौरवों की जमात एक सामने खड़ी है। मैं सबको ये कहती हूँ कि मैंने ये बहुत देख लिया, इनके सब हरकतों को मैंने देखने का काम किया है। आपने देखा है
पिछले बार भी देखा था, इस बार किसी को भी इनकी बातों में नहीं आना है। तय कर लीजिए, ये केंद्रीय बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है, सावरलाल जैसे आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने कभी भी सावरलाल जी को अपने 5 साल के अंदर एक जगह बैठे हुए नहीं देखा। सावरलाल जी से कभी बात करने की जरूरत होती थी तो टेलीफोन करो, सावरलाल जी किसी गाड़ी में सो रहे हैं या किसी गाड़ी में चल रहे हैं, किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, किसी शहर के अंदर पानी का काम कर रहे हैं, किसी कहीं ना कहीं घूमते फिरते 24 घंटे मुझे मिले। आज ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करने का मुझे मौका मिला है, और मैं विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा कर सकती हूँ कि मुझे मालूम है कि काम करने में कभी कोई टाइम नहीं बरतने वाला व्यक्ति है। और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि एक की जगह में आपको दो मिलेंगे, सावरलाल जी तो है ही है, साथ में हम भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। हम दोनों जन आप लोग सबके साथ मिलकर अपने इस क्षेत्र का बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बहुत हो गया भाइयों, 65 साल हमने देख लिए, सबकी करतूतें हमने देख ली, अब डायरेक्ट जनता और हम लोग एक दूसरे के साथ चलेंगे, हम राजस्थान की किस्मत दोनों मिलकर बदलने का काम करेंगे, ये विश्वास करके आप लोग यहाँ से निकलो। मैंने सबको कहा कि कितने झूठ के पुलिंदे को देखने की हमें जरूरत पड़ी। आपको मैं बता दूं कि 2008 के घोषणा पत्र को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। लिखा है उस घोषणा पत्र के अंदर कि आप लोगों को 10 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, है कोई इसको मिली किसी को? कहा उसमें कि 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, मिली किसी को? बोला 30 दिन के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा, मिला किसी को कनेक्शन? मिला। अब मैंने आपको कहा था मेरी सरकार के टाइम में 10 लाख बच्चों को नौकरी सरकारी और गैर सरकारी में दूंगी, मैंने दिया। और आने वाले समय के अंदर फिर मैं कह रही हूँ 15 लाख बच्चों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, स्टेट के अंदर नहीं बचाएंगे इनको सबको, आपको RPSC के द्वारा और सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों का काम देने का आप लोगों को करेंगे। हमारे 15 लाख बच्चों को मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, मेरा अभी घोषणा पत्र पार्टी का निकला हुआ है, उसको भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि किसानों के लिए हमने बहुत सोच विचार करके दिया है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगी कि किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के लिए, हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए, जो पंजीकृत बेरोजगार नौजवान है, उनको 20 लाख की ऋण सुविधा सरकार की गारंटी पर 3% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 3%। और हमारी सरकार ने तय किया है कि खेती बाड़ी करते हुए किसान कोई खेत के ऊपर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे, और अगर घायल होता है सीरियसली तो उसको 1 लाख रुपए देने का काम सरकार करेगी। मनरेगा का काम आपके क्षेत्र के अंदर चल रहा है? नरेगा का काम नहीं चल रहा है, 13,000 करोड़ खा रहे नरेगा का, और उसके साथ साथ आज राजस्थान की जगह पूरे देश में सबसे नीचे है। अपने टाइम में 26 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया था, और सबसे ऊपर अगर कोई प्रदेश था तो वो राजस्थान प्रदेश था। आज राजस्थान प्रदेश के कलंक का टीका लग गया है, ये कांग्रेस वाले झूम घूम के पैसा खाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मेरे से पूछते हैं, ये बात करते हैं, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मेरे को ये बताओ कि इतना सारा पैसा जो आप लोगों ने पार्टियां खड़ी करी है, जिनको हेलीकॉप्टर दे के रखे हैं, जिनको पैसे दे के रखे हैं, जिनसे चुनाव लड़वाया जा रहा है, ये पैसे कहां से आए? पहले तो इनके पास नहीं थे, ये सब आपका पैसा है भाइयों, और वो अब आपके बीच में बांटने की सोच रहे हैं। इस पैसे को ले लो, हम नहीं रोक रहे, ले लो, परंतु जाते हो तो आप बड़ा सोच विचार करके जाओ। अभी कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि आप लोगों को जहरीली दवाई दिया जा रहा है, मैं मानती हूँ कि आपके यहाँ जहरीली दवाई दी जा रही है, घटिया ग्लूकोज जिसके अंदर फंगस उग रहा था उसको चढ़ाने से जोधपुर के अंदर 30 पशुताओं की मौत, तो वो जहर नहीं है तो क्या है भाई? अस्पताल में नकली और एक्सपायर्ड डेट की दवाई वो मिल रही है, और वो बहुत ही माने घटिया क्वालिटी की है, तो वो जहर नहीं है तो क्या है भाई? और मुफ्त दवा के नाम पर अस्पतालों के अंदर जो सैंपल है दवाइयों के वो सब फेल हो गए, तो वो जहर नहीं है तो क्या है भाई? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के अंदर जब मैं झुंझुनू के अंदर थी
कांच भरा हुआ था भाइयों, कांच। तो वो जहर नहीं है तो क्या है? किसी को लगा दोगे जहर, ऐसा इंजेक्शन, कांच का इंजेक्शन, तो क्या होगा उसका? एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं तो ये कह रही हूं कि मुफ्त दवाओं के बावजूद अगर मृत्यु दर बढ़ रहा है तो फिर जहर नहीं है तो क्या है भाई? आज मेरे को कह रहे हैं टेलीविजन के ऊपर जो आता है। अब जब आदमी बौखला जाता है वो यही बातें करता है। और मैं तो सब जनता को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, इसमें कोई जात नहीं है भाइयों, सबको गले से लगा के अपने को चलना है और राजस्थान की तकदीर को बदलने का काम हम लोग मिलकर करेंगे, ये विश्वास रखना चाहती हूँ। 5-6 महीने से जो मैंने दौरा किया है, लगातार मुसलमान भाई जुड़े हैं, लगातार SC के भाई जुड़े हैं, और मेरे को कांग्रेस कहती है कि ये तो क्या है कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट और SC के वोट हमारे जेब के वोट है। कोई किसी के जेब का वोट नहीं है, सब लोग इज्जत के साथ और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी के जेब का वोट नहीं है, वो तकदीर का वोट है, अपने विकास का वोट है, और सब परिवार अपने अपने विकास के लिए काम करने के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं बड़े दिल से और तहे दिल से उन सब मुसलमान भाइयों को और साथ में हमारे सब SC भाइयों को जोड़ने के लिए बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार जितना बड़ा होता है उतना आगे बढ़ेगा, और इनको सबको साथ लेके चलने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब आने वाला समय भाइयों, मैंने तो